नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एटम के कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल और बोर्स मॉडल को। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी का पहला पार्ट ये कहता है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। जो भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, वो सब एटम्स का बना हुआ है और एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, मतलब इनके कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते। इनको छोटे छोटे बाकी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा पार्ट एटम ही होता है। और इस थ्योरी का दूसरा पार्ट ये कहता है जितने भी एटम्स है ना एक एलिमेंट के, उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तीसरा पार्ट ये कहता है कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, ये एटम्स के ही कम्बिनेशन से बनते हैं, अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। और फोर्थ पार्ट ये कहता है जो केमिकल रिएक्शन है, ये एटम्स का ही रीअरेंजमेंट होता है। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि एटम इनविजिबल होते हैं, बट बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें ये कहा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर होता है एटम, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज स्फेयर को, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। और थॉमसन के इस मॉडल को कंपेयर किया जाता है वाटरमेलन के साथ। पूरा जो वाटरमेलन है उसको पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया गया, और उसके अंदर जो सीड्स हैं उनको नेगेटिव चार्ज के साथ कंपेयर किया गया, इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बताया जाता है। इस मॉडल की लिमिटेशंस ये थी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है, ये नहीं बता पाया, और ना ही ये न्यूक्लियस की पोजीशन बता पाया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली रदरफोर्ड ने किया था ये। और इसमें हुआ क्या कि उन्होंने गोल्ड फॉइल में से बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, और उनने ये पाया कि एटम का जो मोस्ट जो पार्ट है एटम का वो तो खाली है, सारी रेस तो अनडिफ्लेक्टेड यानी सीधी पार चली गई, और बहुत ही कम जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट हुई, मतलब वो बहुत ही कम ऐसी एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस था, जहाँ न्यूक्लियस पड़ा था सिर्फ वहीं से रेस रिफ्लेक्ट हुई है ना। तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम एरिया में कंसंट्रेटेड है, और बाकी पूरा एटम जो है वो खाली पड़ा है। उसके बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स के साथ, और उन्होंने ये पाया जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास है उस एटम का वो पूरा पूरा कंसंट्रेटेड है एक बहुत ही कम वॉल्यूम के अंदर, और उस छोटे से एरिया को उन्होंने बता दिया न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एटम का पूरा पूरा मास जिसमें कंसंट्रेटेड है इसका नाम इसने दिया न्यूक्लियस। और इन्होंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और उस पाथ का नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट्स। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं,
और जो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये कहते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हेल्ड है आपस। इसकी लिमिटेशन ये है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये मैक्सवेल थ्योरी के साथ अकॉर्डेंस में नहीं है और ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी लूज कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी लूज कर रहे हैं तो उनको जब एनर्जी खत्म हो जाएगी एक टाइम पे तो उनको कोलैप्स कर जाना चाहिए, उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट वो ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड भी एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए भी उनकी थ्योरी को इनकम्प्लीट माना जाता है। इसके बाद आई बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसको रदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल का ही एक्सटेंशन है ये। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इन ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी होती है और अपना सेट साइज होता है। दूसरा, एक ऑर्बिट की एनर्जी उसके साइज पर डिपेंड करती है। अगर छोटा साइज है तो कम एनर्जी है, बड़ा साइज है तो ज्यादा एनर्जी है। रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है या अमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या अमिट होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हायर एनर्जी है, एनर्जी लेवल है यानी हायर ऑर्बिट है, और ये इससे लोअर ऑर्बिट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, कम एनर्जी बनानी पड़ेगी ताकि कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में वो आ सके। और इसके उल्टा, अगर कम एनर्जी वाले में से अगर इसको ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना है तो इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी ताकि ये इस ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। और ये बना फाइनल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम का जो मास है वो यही बनाते हैं। एटम का जो मास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मान लो एक एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 10 के आसपास, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं लगभग, तो इन दोनों के मास का सम होता है जो वही एटॉमिक मास होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई मास नहीं होता है सच। और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो और प्रोटॉन इनका नंबर सेम होता है, इसलिए जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। नील्स बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं। ये कॉम्प्लेक्स एटम्स पे वर्क नहीं करता। ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस इंटेंस होती हैं बाकियों की तुलना में। और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अकॉर्डेंस में भी नहीं है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है एक ही टाइम पे किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम पता करना। और बोर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में विद नोन रेडियस एंड वेलोसिटी। ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। एटॉमिक पैरामीटर्स कुछ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मास बोलते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तभी एटम न्यूट्रल होता है। आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोप कहा जाता है। आइसोबार,
ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।